गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू PNMRC ई लर्निंग क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, पेज नंबर 58. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर पेज 58. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स. रोज आप कोई ना कोई चेंजेस आपके चारों तरफ होते ही रहते हैं. दीज चेंजेस मे इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेज. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. तुम्हारी मम्मी कई बार मेहमान आते हैं घर पर तो बोलती है ना कि चलो कोल्ड ड्रिंक बना के ले आओ, थोड़ा सा पानी में चीनी घोल दो, थोड़ा शरबत बना के ले आओ, जाओ चाय बना के ले आओ, ऐसा मम्मी बोलती है. मेकिंग शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज. तो ये जो है पानी से आपने जो शुगर घोल के जो शुगर का सॉल्यूशन बनाया, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. समटाइम मिल्क बिकम सोर. कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप दूध को काफ़ी टाइम तक बाहर रख दें, फ्रिज के बाहर रख दें, तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है. और अगर उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा. सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. तो ये सोरिंग ऑफ मिल्क जो है, मिल्क का ख़राब होना, ये भी एक चेंज है. उसको तब आप गर्म करते हो, उसका फट जाना भी एक जो है चेंज है. स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. अगर आप लोग, पहले एक रबर बैंड होती है छोटी सी साइज़ की होती है, आप उसको खींचते हैं तो वो लंबी साइज़ की हो जाती है, तो वो भी क्या है, एक चेंज है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. अपने चारों तरफ कोई भी चेंजेस हो रखे हो तो वो बताओ, आप हमको बताएंगे, या आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. तो हम इस चैप्टर में इन चेंजेस के बारे में ही पढ़ेंगे. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल. तो ज़्यादातर हम जो चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं उनको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन दो काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल चेंजेस. एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. ले दिस पीसेस ऑन अ फ्लोर और अ टेबल सो दैट पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर. फिगर 6.1. पहले आपने क्या किया, एक पेपर लिया, उसको फोल्ड कर लिया, पहले उसको 4 पीसेस में काट लिया, फिर एक पीस को फिर 4 पीसेस में आपने काट लिया, जैसा कि फिगर 6.1 में ऑलरेडी आपको दिखा रखा है. ऑब्जर्व, यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक अ ओरिजिनल पीस. अगर आप उसको चाहें कि फिर वापस से वो ज्वाइन हो जाए, फिर वापस से चिपक जाए, वापस से जैसा पहले था सिंगल पीस का वो बन जाए, तो ऐसा होगा नहीं. बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. पर क्या जो पेपर है वो कुछ और बदल गया? नहीं, पेपर जो है वो बदल के प्लास्टिक बन गया या पेपर बदल के ग्लास बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना. ऐसा तो बस सिर्फ काटा है आपने, काटने के बाद उसको ओरिजिनल पहले जैसा चिपका के हम वैसा नहीं बना सकते, पर उस पेपर तो पेपर ही रहा, वो चेंज तो नहीं हुआ. पेपर चेंज होकर ग्लास नहीं बन गया, या पेपर चेंज होकर पत्थर नहीं बन गया, या पेपर चेंज होकर प्लास्टिक नहीं बना. नाउ एक्टिविटी 6.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉकबोर्ड इन योर क्लासरूम. अब आपने ब्लैक बोर्ड होता है ना आपका, उसमें जब मैम लिखती है तो कुछ जो पाउडर फॉर्म में चॉक नीचे गिर जाती है, उसको अगर हमने इकट्ठा किया, उसको और भी क्रश कर दिया स्मॉल पीसेज ऑफ चॉक में इंटू डस्ट. एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट. आपने क्या किया, थोड़ा सा पानी उसमें मिला के उसको पेस्ट जैसा बना लिया. रोल इट इंटू अ शेप ऑफ अ पीस ऑफ अ चॉक. लेट इट ड्राई. और फिर से उसको रोल करके पीस ऑफ चॉक में आपने उसको चॉक जैसा शेप दे दिया और फिर उसको सूखने के लिए रख दिया. डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट. क्या वापस से चॉक बन गई, या मुझे बताना क्या ये वापस से चॉक बन गई. नाउ एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर. एक प्लास्टिक का टम्बलर लो, प्लास्टिक का या फिर एक ग्लास ले लो, ग्लास की प्लेट ले लो. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. उसके अंदर आइस के क्यूब्स रख दो और उसको प्लेट को और आइस के क्यूब्स को आप क्या करो, धूप में जाकर रख दो. यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. कुछ टाइम के बाद जो आइस है वो पिघल जाएगी और वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा. नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर द आइस प्लस कॉमन सॉल्ट. अब क्या करो, आप उसको वापस से फ्रीजिंग उसमें रख दो,
वापस फ्रीजर के अंदर रख दो. डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या वापस से पानी जो है वापस से उस क्या नाम आइस में बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा. वापस से अगर आप पिघली हुई आइस को अगर वापस से फ्रीज़र के अंदर रख दोगे तो वापस से पानी जम के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 59, एक्टिविटी 6.4. बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर. एक कंटेनर लो, एक भगोना लो, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको बॉयल करो. डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर? कुछ टाइम के बाद पानी उबलने लगेगा और आपको क्या दिखेगा? पानी के ऊपर भाप, पानी जो है भाप बनता हुआ दिखाई देगा. होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस. कुछ डिस्टेंस के ऊपर आप क्या करो, जो स्टीम उड़ रही है उसके ऊपर एक, एक एक जो प्लेट है वो ढक के ढक होल्ड कर लो, उसको पकड़ के थोड़ा खड़े हो जाओ. फ्रॉम द बॉयलिंग वाटर ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द पैन. कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे, उसके अंदर की सर्फेस पे पैन पे आप क्या देखोगे, कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी. डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर? यस, वी विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर. नाउ एक्टिविटी 6.5, होल्ड अ यूज हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स. हैक्सॉ ब्लेड समझते हैं, जिसकी जो साइड्स होती हैं. कई बार आपने देखा होगा कि लोहे के किसी चीज़ को काटने के लिए एक हैक्सॉ ब्लेड आता है, पतला सा होता है और साइड में जो उसके उसके दांत जैसे होते हैं, तो वो हैक्सॉ ब्लेड कहलाता है. विद अ पेयर ऑफ टंग की टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ अ ब्लेड ऑन अ ग्लास स्टोव. ग्लास स्टोव के ऊपर उसका जो जो एंड एक साइड से पकड़ लो, दूसरे को दूसरे साइड को ग्लास स्टोव के ऊपर रख दो. वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए इंतज़ार करो. डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस? जो जो ब्लेड जिसको स्टोव के ऊपर रखा था कुछ समय के बाद वो गर्म हो जाएगा. गर्म होने के बाद वो लाल लाल सा होना शुरू हो जाएगा. रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद फिर से टिप को देखो. डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर? तब वो ठंडा होगा तो क्या वो वापस से ओरिजिनल कलर में चेंज हो जाएगा? इन एक्टिविटी 6.1, जो 6.1 आपने एक्टिविटी की थी ना, पेपर को काटा था वो, 6.2 जिसमें चॉक के डस्ट को इकट्ठा करके चॉक बनाया था अबव, यू सॉ दैट पेपर एंड द पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज. दोनों का साइज चेंज हुआ पर उनकी प्रॉपर्टी वो सेम रही. चॉक चॉक ही रही, पेपर पेपर ही रहा. अंडरवेंट चेंज इन साइज इन एक्टिविटी 6.3 के अंदर क्या हुआ, जो आइस थी वो पिघली, पानी में बदली. पानी में बदलने के बाद में फिर आपने फ्रीज़र में रखा तो फिर वो वापस से आइस में चेंज हो गई. एंड 6.4 में पानी उबला, पानी उबलने के बाद ठंडा हुआ. ठंडा होने के बाद वो स्टीम में चेंज हुआ, वापस ठंडा किया आपने तो वापस वो पानी में चेंज हो गया. वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. वाटर जो है अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, फिर वो सॉलिड में हो रहा है 6.3 में. जब वो आइस था, आइस सॉलिड फॉर्म में थी, वापस से वो लिक्विड में हुआ, पानी में पिघल गया तो पानी में बदल गया, फिर आपने फ्रीजर में रखा फिर वो वापस से सॉलिड में चेंज हो गया. इन एक्टिविटी 6.5 में हैक्सॉ ब्लेड से जब आपने काटा तो कलर चेंज हुआ ऑन हीटिंग. प्रॉपर्टीज सच एज साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर किसी भी सब्सटेंस का साइज चेंज होता है, मतलब बड़े से छोटा हो जाए या छोटे से बड़ा हो जाए या कलर चेंज हो जाए उसका, हैं, एंड द स्टेट, अगर स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाए फिर वापस वो सॉलिड में चेंज हो जाए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज ऑन इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. ऐसी चेंज को हम, ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है. आप एक बार माने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आइस को ठंडा किया, सॉरी गर्म किया, तो क्या हुआ, पानी में बदला, चेंज हो गया ना स्टेट उसका, मतलब पहले सॉलिड में था लिक्विड में बदला फिर वापस वो सॉलिड में चेंज हो गया अगर आप उसको फ्रीजर में रखेंगे तो. तो सच टाइप ऑफ चेंज जो है वो क्या कहलाता है, जो रिवर्सिबल, जो रिवर्स बैक हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनता है. तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया, वो चेंज जिसके अंदर जो रिवर्सिबल हो
उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, आपने रबर बैंड थी खींचा, लंबी हो गई, वापस से और अपने रिवर्स बैक किया तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज। इसको हम फिजिकल चेंज भी बोलते हैं, जिसके अंदर केवल साइज चेंज होता है। और एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्यूबलाइट जलाई तो क्या हुआ, वो जलने लगी, वापस से आप ट्यूबलाइट के स्विच को बंद करोगे तो वापस से वो चेंज हो जाएगा, वापस से वो बुझ जाएगी। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, जिसके अंदर केवल साइज चेंज हो, कलर चेंज हो और सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो, तो हम ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। नाउ लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब दूसरा काइंड ऑफ चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज, जिसके अंदर एक बार चेंज हो जाता है तो वो रिवर्स बैक नहीं होता। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई एंड माई वीडियो हेयर ओनली, वी विल मीट टूमोरो विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल चेंज। अप टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।